बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल, सर्दियां आ चुकी हैं पूरी दुनिया में, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर सिर्फ हवाएं चल रही हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जो अपने साइकिल के साथ घूमता है, और जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बना दिया है वो तो होकर रहेगा। बीज डालेंगे तो पौधा उगेगा, आग लगाएंगे तो आग लगेगी, और ये वो सारी चीज़ें हैं जब इंसान ने शऊर संभाला, उसको जब शऊर आया तो फिर उसने वो सारी चीज़ें यूज़ करना शुरू की, और उसके बाद यूज़ करने के बाद फिर उसने उन चीज़ों को हत्याना भी शुरू कर दिया, और हत्या हत्या के जो है ना, फिर उसने पूरी ज़मीन को, अल्लाह ताला की ज़मीन को तंग कर दिया, और वहाँ पर लोगों को जगह नहीं मिलती। अब तो यह हाल हो गया है कि अब तो हर कोई मुश्किल और परेशानी में मुब्तला है, हर एक के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो है वो बिल्कुल नेचर के उल्टे चल पड़े, यानी कि नेचर के खिलाफ चल रहे हैं। हम नेचर के बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल उलट हो गई, यानी कि इस तरह से अगर बैठे हुए इंसान को ऐसे पलट दिया जाए, टांगे ऊपर सर नीचे, हमारा वो हिसाब हो गया। तो ऑब्वियसली हमें परेशानियां तो आएंगी, और एक परेशानी नहीं, न जाने कितनी परेशानियां हैं। 2022 गुजर गया, 2023 आ गया, अब ये 2023 जो है अल्लाह ताला इसमें तमाम वो बुजुर्ग जो के बिस्तरे मर्ग पर हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को आसान करे, जो सेहत की तरफ जा रहे हैं अल्लाह ताला उनको सेहत की तरफ जो है वो जिंदगी दे, जो बहुत अजियत में हैं, जो लोग अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को आसान करे, जिनके माँ बाप, बहन भाई, शौहर, बीवी, बच्चे मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलें आसान करे अल्लाह ताला इस साल। जो लोग मेहनत करना चाह रहे हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, जो लोग अपनी आदतों को छोड़ना चाह रहे हैं, होता है ना कि हमने ये आदत छोड़नी है लेकिन टाइम नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अहद करेंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। जो लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाह रहे हैं अल्लाह ताला उनका साथ दे, यानी कि वो अल्लाह के रास्ते पर आ जाए। और जो वजन कम करना चाह रहे हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जो है वो अपना वेट देखती हूँ, क्योंकि कैमरा अगर आपका मोबाइल का हो या वैसे प्रोफेशनल कैमरा हो, तो आपका जो 1 kg अगर आप रखेंगे तो वो 5 kg आता है। तो इसी वजह से मैं जब अपनी कुछ वीडियोस देखती हूँ तो मेरा दिमाग जो है ना वो सन्नाटे में आ जाता है। मैं देखती हूँ मैं इतनी मोटी, मतलब मेरी जो बहुत कम सी चर्बी, अगर यहाँ पर मैं लाइव में देख रही हूँ तो मेरे हाथों में इतनी चर्बी नहीं है, लेकिन कैमरे में इतने मोटे मोटे हाथ, इतना बड़ा मुंह, इतना मोटा जिस्म, मतलब जो लोग मुझे रियल में जानते हैं उनको तो पता है कि मैं इतनी मोटी नहीं हूं, लेकिन मैं कैमरे में 10 kg ज्यादा आती हूं। अब 10 kg आप लगा लें। तो जो लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं वो भी अपने इस मिशन में कायम और दायम रहे, तो अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहत वाली जिंदगी दे, तमाम लोगों को हिदायत के रास्ते पर चलाए। अल्लाह ताला नहीं बल्कि हम खुद हिदायत के रास्ते पर कदम रखें, तब अल्लाह ताला जो है वो हमारा हाथ पकड़ लेगा, वरना अल्लाह ताला अगर खुद से हिदायत ऐसे ऐसे करके देगा तो फिर मरने के बाद तो बहुत सारी कंप्लेन्स लोग अल्लाह को करेंगे कि अल्लाह तूने उसको तो हिदायत दे दी थी, अब तो उसको जन्नत में डाल रहे हैं, हमें तो तूने हिदायत नहीं दी। तो ये बात नहीं है, अल्लाह ताला एक्चुअल में अभी जो है ना सबको एक सर्टन टाइम के लिए अल्लाह ताला ने छोड़ा हुआ है, और वो टाइम जब तक कयामत नहीं रहेगी, अल्लाह कहता है तुम जिसमें भी मेहनत करोगे मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगा। अगर तुम चोरी चकारी में प्लानिंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और उसमें अपनी आइडियाज नए नए डाल रहे हो, चोरी ऐसे करनी, तो मैं तुम्हें 100% उसमें साथ दूंगा, क्योंकि ये मेरा जो है दुनिया का जो मैंने एक निज़ाम बनाया है उसमें ये निज़ाम है कि आप किस चीज, जिस चीज के लिए मेहनत करोगे आप उसी में जाओगे। लेकिन होगा क्या कि एक सर्कल है गलत चीजों का और एक सर्कल है सही चीजों का, तो अगर आप गलत चीजों में मेहनत करेंगे तो वो सर्कल जो है वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, आप बहुत ऊपर चले जाएंगे, फिर वो सर्कल है ना लेविटेड हो जाएगा, आपकी जिंदगी की चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, आप इतना कुछ जमा कर लेंगे, इतने खुश होंगे कि आपने सब कुछ पा लिया हराम खा के, या लोगों को लूट के, यतीमों का पैसा खा के, बदकारी करके, कुछ भी करके आपने इतना कर लिया, जो आपको इतने लेविटेट हो गए, अपनी अपनी मतलब बहुत उड़ान आपकी ऊंची हो गई है, जिस बबल में आप हो गए, फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, उसको उस बबल को फाड़ देगा।
क्योंकि वो एक सर्टन तक आप एक सर्टन लेवल तक आपका बबल जाएगा, वो फिर वो फट जाएगा। जब वो बबल फटेगा ना, तो आप आपकी पूरा खानदान, आपके साथ तमाम परेशानियां सब चिमट जाएंगी। जब तक आप उस बबल में होगे, जब तक आपको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, लेकिन जब इनफ हो जाएगा तो वो फट जाएगा। और फिर जब वो फट जाएगा तो फिर आप आ जाएंगे एक बहुत जिंदगी के खतरनाक मोड़ पे, बहुत गंदी अजियतों में गिरफ्तार हो जाएंगे, और वो आप डायरेक्ट नीचे आकर कीचड़ के अंदर नहीं, आग में गिर जाएंगे। और यहाँ जो अच्छाई करने वाले लोग होंगे, हलाल खाने वाले होंगे, दूसरों का सोचने वाले होंगे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाले होंगे, उन वो एक बबल से आस्ता 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 जब वो लेविटेट होंगे, बहुत ज्यादा ऊपर लेविटेट हो जाएंगे, तो फिर वो उसमें ही रहेंगे, सिर्फ खुशियों में घिरते रहेंगे, खुशियों के बागात, खुशियां ही खुशियां। वहां पर अगर वो मर भी जाएंगे तब भी वो यूं ही जो है ना जन्नत में चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप, मैंने ये सिर्फ एक मिसाल दी है, सच्ची में कोई ऐसा बबल नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ मिसाल दी है। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला जो है, जो लोग नीयत कर रहे हैं, सिंपल बात ये बोलूंगी, अच्छी चीज की नीयत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनका जरूर साथ देगा, और जो बुरी चीज की नीयत कर रहे हैं उनको भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन वो एक कहते ना, एक रबड़ होते हैं ना, आप जोर से खींचेंगे तो वो उल्टा आके ऐसे करके आपके मुंह पे पड़ेगा और पाश पाश आप हो जाएंगे। तो ऐसा हरगिज मत करें, अपने आप को अच्छे के लोगों में शुमार करें, अच्छे के लिए अपने आप को जो है तैयार करें हमेशा। तो अल्लाह ताला सबको हर चीज में कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये 2023 जो है आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट हो, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, और जो मैंने सोचा है अल्लाह ताला मुझे भी इसमें कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ 7 मिनट हो गए, मैं सोच रही थी कि छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन 7 मिनट पूरे हो गए।